लिफाफे में रख कर भिजवा दो, मैं खुद मिलने
बरसाना। देखा है पहली बार जानम की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। सितारों में एक हजारों में
हजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। क्या मेरी खता है,
हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है से दिल न लगाऊं, यही धड़कन की सदा है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। क्या है मैं
बस मुझको पता है।
जान जिगर तुझ पे निसार किया है। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है। तूने भी मुझे किया।
सर झुका के कहो, पलक उठा के कहो, हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है।
महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। I'm not afraid.
रीत ना रखना खया। जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। कारण होता है कि भविष्य में इसको लेकर प्रोटीन की डिमांड काफी बढ़ जाएगी।
वो इस काम में लग जाता है और धीरे धीरे वो हाई क्वालिटी प्रोटीन बनाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन उसकी मेहनत पर तब पानी फिर जाता है जब इस प्रोटीन के बनाने के बाद भी उसके सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है और रेड अलर्ट दिखाई देने लगता है। इसके बाद जो नज़ारा दिखाई देता है वो बेहद भयानक होता है। दरअसल रेड अलर्ट के बाद सुपर बग्स बॉक्स से बाहर आने लगते हैं। इसके बाद वो साइंटिस्ट उन्हें नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू करेंगे जो जादूगरों के बारे में है, यानी कि हॉर्समैन्स के बारे में है और मूवी का नाम है नाउ यू सी मी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें उन जादूगरों में से एक को दिखाया जाता है, उसका नाम है डैनियल और वो प्लेइंग कार्ड से अपने जादू को दिखा रहा होता है। फिर सीन कट होके मैरिट की तरफ जाता है जो हिप्नोटाइज मास्टर होता है, यानी वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। फिर जैक की एंट्री होती है। आखिरी में हमें हैनली देखने को मिलती है जो लॉस एंजलस में अपना जादू परफॉर्म कर रही थी, लेकिन यहाँ एक मिस्टीरियस आदमी सब पर नजर रख रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम नाउ यू सी मी का पार्ट टू लेकर के आए हैं। तो जिसने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है फटाफट से जाकर देख के आओ। तो चलिए अब रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हॉर्समैन दिखाए जाते हैं जो आई कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं और वो लोग अपने सेकेंड मिशन का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें आई कम्युनिटी देने वाली है। इस मिशन में वो बुरे लोगों को एक्सपोज करते हैं और डायलिन इनका लीडर होता है, लेकिन उसे लगता है कि वो एक परफेक्ट लीडर नहीं है। लीडर उसे नहीं बल्कि डैनियल को होना चाहिए, इसलिए अब डैनियल खुद ही आई कम्युनिटी से जाके कॉन्टेक्ट करता है। फिर वो एक अजीब सी टनल में जाता। हेलो दोस्तों, आज हम फिल्म द सैंड की बात करने वाले हैं। इस फिल्म की शुरुआत में एक पार्टी होते हुए नजर आती है जिसमें लोग काफी इंजॉय करते होते हैं कि तभी उन्हें कोई अजीब सी चीज नजर आती है जिसको देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि ये चीज़ क्या है। अब वो लोग उस चीज़ को बॉल की तरह उछालने लगते हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ टूटती नहीं है। इसके बाद वो थक कर उसे छोड़ देते हैं और सभी सो जाते हैं। इनमें से मार्शल आर्म की एक लड़की की तबीयत अचानक खराब होती है, उसे लगातार उल्टियाँ होने लगती हैं और उसे अजीब। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिल्म ट्रेमर की पूरी कहानी के बारे में जानने वाले हैं। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में दो शख्स नजर आते हैं जिनमें से एक का नाम मैकी और दूसरे का नाम अर्ल होता है। ये दोनों ही रिपेयरिंग मैन का काम करते हैं और इस सीन में दोनों को पहाड़ी एरिया में दिखाया गया है। ये दोनों यहाँ एक वायर की रिपेयरिंग के लिए आए हुए होते हैं। इसे ठीक करने के बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो उनके पास आती है। लड़की का नाम रोहोंडा होता है। वो इन लोगों के साथ हाथ मिलाती है। वो बताती है कि वहाँ जियोलॉजी के सेमेस्टर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिल्म द स्प्लिंटर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में एक शख्स को दिखाया जाता है जो कुछ खा रहा होता है। वो एक शेयरमैन नाम के केयर स्टेशन पर होता है जो जंगल के बीचों बीच होता है। वो एक चेयर पर बैठा होता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। अब वो उस आवाज की ओर बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है उस पर एक जंगली जानवर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब सीन में बदलाव आता है। इसके बाद जंगल का दृश्य दिखाई देता है जहां हमें एक कपल नजर आते हैं, दोनों हस्बैंड। आज फिल्म जोकर की बात होने वाली है जिसमें सबसे पहले एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहां अमीर और गरीब दोनों ही वर्ग के लोग एक साथ एक ही शहर में रहते हैं। ये पूरी फिल्म ऑर्थर नाम के एक शख्स की लाइफ पर बनाई गई है जो अपनी माँ के साथ इसी शहर में रहता है। उसे कॉमेडी करना काफी अच्छा लगता है। वो एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है। वो जोकर बनकर सभी को हंसाना चाहता है। वो इसके लिए अपनी कोशिश जारी रखता है। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि ऑर्थर एक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए काम। आज हम आपके लिए एक नई फिल्म लेके आए हैं जिसका नाम हॉलो मैन होता है। ये फिल्म 2000 में रिलीज की गई थी। इसे आज हम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म के पहले सीन में एक साइंटिस्ट नजर आता है जिसका नाम सिबास्टर होता है। आपको बता दें कि ये पूरी फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है। इस साइंटिस्ट ने कई सालों की मेहनत के बाद एक ऐसी मेडिसिन बनाया था जिसके द्वारा किसी भी इंसान या जानवर को गायब किया जा सकता था, लेकिन वो इसका एंटीडोज बनाने में सफल नहीं हो सका था, यानी कि इस दवाई से गायब हुए लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमको एक खबर को दिखाया जाता है। न्यूज में बताया जाता है कि 1973 में 5 युवा टेक्सास में छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन
एक किलन ने उन पर हमला कर दिया था और हमले में उन सभी लोगों की मौत हो गई थी। लोगों को मारने के लिए किलन ने हथौड़े सहित कई हथियारों का इस्तेमाल किया था। हमले में सभी लोगों की मौत हो गई थी। इन पांचों में से एक लड़की जिंदा बच पाती है। उस लड़की का नाम होता है सैली। आज हम फिल्म द डेड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस फिल्म के स्टार्टिंग में लेफ्टिनेंट ब्रायन को दिखाया जाता है, जो कि एक रेगिस्तान में होता है। वो ब्लैक कलर के कवर्ड गेटअप में नजर आता है। वो सैंड में एक जॉम्बी को देखता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो ब्रायन की तरफ बढ़ता है, तभी ब्रायन उसे गोली मार देता है। उसे मारने के बाद उसे वो चेक करने की सोचता है। जब उसके कपड़ों की जांच करता है तो उसे उसकी पॉकेट में कुछ पैसे और बुलेट्स मिलते हैं, लेकिन वो बुलेट्स को ले लेता है और पैसों को वहीं छोड़ देता है। सीन में बदलाव आता है।